नैरेटिव में होती है या तो सेकंड पर्सन नैरेटिव में होती है। ये किताब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन नैरेटिव दोनों में जी किताब लिखने का चांसेस बढ़ गए हैं। चांसेस बढ़ नहीं गए हैं सर, चांसेस फैंटास्टिक हो गए हैं। और किताब टचवुड आपकी दुआ से बहुत बिखरी है। जैसे मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी 200-250 बिक चुकी हैं कॉपीज, अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई, बुक स्टोर्स में आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, नया स्टॉक लाया जा रहा है, यंगस्टर्स आर लविंग इट, टीनेजर्स आर कनेक्टिंग टू द बुक। मैंने किताब किसके लिए लिखी? मैंने किताब लिखी फॉर द यंगस्टर टुडे, फॉर द मोबाइल जनरेशन। तो आप देखें तो किताब आधी से ज़्यादा SMS लैंग्वेज में है। किताब जो है उसका स्टाइल जो है और लहजा जो है वो कम्प्लीटली टू कनेक्ट टू द यूथ है, तो टाइटल भी उसी तरीका से। आप इतने क्रिएटिव हो सकते हैं ये हमको पहले एहसास नहीं था, मेरे पिताजी को भी एहसास नहीं जी। तो क्रिएटिविटी की कितनी चीज़ें हम आपकी किताब में देखने को हमको मिलेंगी? जी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैंने इस किताब को एक बहुत ही अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक SMS स्टाइल में इस किताब को लिखा, विच इज़ नॉट हैपेंड बिफोर। उसके अलावा जो है, यूजली एक किताब या तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में होती है या तो सेकंड पर्सन नैरेटिव में होती है। ये किताब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन नैरेटिव दोनों में साथ में चलती है। ये दोनों नैरेटिव्स एक दूसरे से बात करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और कहानी सुनाते हैं। एक तीसरी और चीज़ है जो मैंने कहानी में कोशिश की है, वो है एक स्क्रीन प्ले का स्टाइल। क्योंकि मेरी पैदाइश सिनेमा की है, मेरी समझ ज़्यादा सिनेमा की है, तो मेरा जो स्टाइल लिखने का है वो सिनेमैटिक है। मैं इसको ज़्यादा एक विजुलाइज एज ए फिल्म देखता हूँ। तो फॉर मी टू राइट इट वॉज अ स्क्रीन प्ले मीटिंग अ नॉवल। बिल्कुल, ये कहानी जो है ये सिर्फ मजाक और मस्ती की नहीं है। ये कहानी का जो टैगलाइन है कि वार्निंग, इट्स नॉट अ लव स्टोरी, दिस इज अ एफ अप स्टोरी, इट्स अ फक अप स्टोरी। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द स्टाइल। मुझे बहुत मजा आया था देखकर, आई रियली एंजॉयड इट, दैट्स ऑल। एंड आई थिंक रणवीर और अर्जुन आर वेरी स्पोर्टिंग टू टेक इट मैन, वेरी स्पोर्टिंग। थैंक यू। अभी था लेकिन जब ये किताब के बारे में चर्चा हुआ तो यही उसने मुझसे डिस्कस किया था कि कुछ इस तरह की चीज़ लिख रहा है। और द ओपनिंग ऑफ द दिस बुक, इसका जो पहला चैप्टर था, उसको उसने पढ़ के तो नहीं सुनाया था, लेकिन मुझे उसने सुनाया था। वी वर ट्रैवलिंग समवेयर एंड रास्ते में उसने हमें मुझे ये बताया, तो मुझे उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब ये टाइटल उसने फाइनल किया तो मुझे घबराहट हुई। उसके दो कारण हैं, एक तो हम कितने भी आज कहें कि हम आज इस ज़माने के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन ये टाइटल मुझे अपने आप में थोड़ा सा लग रहा था कि ये बोलेंगे कैसे लोग। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने यंगस्टर्स के रिएक्शंस देखे, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की कि भाई ये कैसा टाइटल है, तो हर आदमी ने ऐसा कहा कि टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, तो टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे 5 चैप्टर तक मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था। बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे मैं क्यों कन्फ्यूज़ था, क्योंकि शायद वो किताब की तरह से मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, बल्कि आर्या का बाप जो है वो अपना उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसमें वो ढूंढ रहा था कि कहीं ये आर्या ने कहीं अपनी कोई इंसिडेंट लिखा है या। शुक्र है कि मुझे 5 चैप्टर तक मैं पढ़ने तक ये एहसास हो गया कि
ये मुझे इसमें कहीं आर्या नज़र नहीं आ रहा, यानी आर्या का जो अपना किरदार है जिस आर्या को बाप जानता है वो नहीं है। तब मैंने इसको दो दिन के लिए इस किताब को बंद कर दिया जो इसने मुझे पढ़ने के लिए, मैंने किताब को बंद कर दिया और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर पढ़ना शुरू किया, एक कहानी की तरह से पढ़ना शुरू किया। एंड यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि जिस तरह से बचपन से हम पढ़ते आए हैं, कहानियाँ पढ़ते आए हैं और एक कहानियों के साथ में आप एक मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, जिसको आज कहा जाता है एडिक्ट हो जाते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते, कुछ ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। राज सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस किताब के वर्डिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आज इंडिया में AIB एक प्रोग्राम आ रहा है जिस पे इस तरह की वर्डिंग्स चल रही हैं, रेगुलरली हम सुन रहे हैं कि गलत तरह की, तो इस पे इसका मतलब आपका टेक क्या इस चीज़ पे है? देखिए, क्या है, एक लिहाज तो होना चाहिए जी। लेकिन अभी किसी लैंग्वेज का, अगर आज ही लैंग्वेज जो है बड़ी आम सी हो गई है जी। जो उस शो की लैंग्वेज और इस किताब के टाइटल की जो लैंग्वेज है, जैसे आज की बात नहीं, हमारे जो पुराने नाटक जो हुए सखाराम बाइंडर वगैरह, उसके अंदर हम विजय तेंदुलकर बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने भी एक जो है रेफरेंस को देखते हुए, करेक्टर्स को देखते हुए उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। बट आई डोंट मीन दैट, इसके माने ये नहीं है कि ये हमारी वोकैबुलरी होनी चाहिए।